हेलो फ्रेंड्स, मेहरा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक DIY हैक लेकर आया हूं, जिससे आप अपनी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी एक भी रुपया नहीं देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी डिटेल इनके वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरे कंप्यूटर का म्यूजिक सिस्टम है जिसको मैंने अपनी गाड़ी के अंदर सेटअप किया है। वो सेटअप कैसे किया है मैंने, वो मैं आपको भी आगे से दिखाता हूं। तो अगर मैं आपको भी दिखाऊं, तो ये मेरे वूफर की बैक साइड है, जिसमें मैंने इन दोनों स्पीकर्स की वायर अटैच कर दी है, येलो वाली। और इसका जो मेन पावर का प्लग है, वो मैंने अपने कंप्यूटर के, ये जो हमारा UPS होता है, ये एक छोटा इन्वर्टर टाइप होता है, आपको सभी को पता होगा UPS, उसमें मैंने इससे पावर दिया है। और ये इसको हम अपने ब्लूटूथ से फ़ोन के यूज़ कर सकते हैं बड़े ही अच्छे से, और इसका आउटपुट बड़ा ही अमेजिंग आता है। तो ये हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें अपनी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम लगवाने से पहले अगर हम चेक करना चाहते हैं कि उसका आउटपुट कैसा आएगा, तो नियरली आपको पता लग जाएगा कि आपको वूफर लगवाने के बाद आपको कैसा आउटपुट आएगा। तो अभी हम इसका आउटपुट सुनते हैं। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हम UPS का बटन ऑन करेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें ये बटन्स दिए हैं, इसमें से हम मोड सेलेक्ट करके ब्लूटूथ मोड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने फ़ोन पर आ जाएंगे। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर लूँगा, पेयर न्यू डिवाइस, क्योंकि मैं इसको भी पहली बार यूज़ करके देख रहा हूँ। तो ये हमारे ज़ेब्रोनिक्स का ये जो स्पीकर का ब्लूटूथ है, ये आ गया, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे फटाफट। पेयर, तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम फटाफट से एक और इसमें म्यूज़िक प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम एक और फ्रंट से भी इसका आउटपुट सुन लेते हैं, डिक्की बंद करते हैं। तो ये आउटपुट आप सुन सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आउटपुट कैसा आ रहा है। ये अभी मैंने इसमें NCS का गाना प्ले किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पंजाबी सॉन्ग सुनाऊं, तो आप ये जो Instagram का नीचे लिंक आ रहा है, उस पर जाकर मेरे को Instagram पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं आपको इसका पंजाबी या कोई इंग्लिश गाने का रिव्यू दे दूंगा। साउंड की क्लैरिटी इसमें काफ़ी अच्छी आ रही है, बाहर से भी आप सुनिए। ये आपका गाड़ी के बाहर भी आउटपुट अच्छा देगा। अगर आपको अंदर से सुनना है, तो अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग आउटपुट मिलेगा, सुनिए। और आपको, अगर आपको किसी को, मतलब नहीं आप चाहते कि किसी को पता लगे, तो बिना देखे तो किसी को पता लगेगा ही नहीं कि आपने कंप्यूटर के स्पीकर्स को कनेक्ट किया हुआ है। आउटपुट इसका सच्ची में बहुत ही अच्छा आ रहा है, मैं बहुत ही इससे खुश हूँ। बट आपको इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। इसका प्रो तो ये है कि आपको अभी पैसे नहीं देने, अगर क्योंकि देखो, कंप्यूटर अगर आपके पास है, तो शायद आपके पास UPS भी होगा। अगर आपके पास UPS है, तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी कनेक्ट करके दिखाया, वैसे आप इसको सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। आप थोड़ा, मैं आपको बता दूं, ये जो UPS है, ये मेरे को कम से कम आधे घंटे से लेकर पौने घंटे तक का लगातार बैकअप दे देता है। इसके प्रो ये है कि आपको एट ए टाइम कोई पैसा नहीं देना, लेकिन आपका म्यूजिक सिस्टम गाड़ी का अपग्रेड हो गया और किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने कंप्यूटर के स्पीकर्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब इसका कॉन ये है कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो आपको इसको घर ले जाकर चार्ज करके लाना पड़ेगा। चार्ज तो ये आपका वैसे 4-5 घंटे में चार्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं, अगर आपके पास ये सामान पड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करना, बट उससे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि उसका आउटपुट कैसा आएगा, तो आप इस तरीके से एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको आउटपुट कैसा आएगा। इसमें आपको डैम्पिंग करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना भी पावरफुल नहीं है कि आपकी गाड़ी को कोई नुकसान दे, या फिर भर भर, या ये जो
पैनल्स हैं डोर के, ये वाइब्रेट करे नहीं, लेकिन हाँ ये आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी दे देता है, रिच साउंड क्वालिटी दे देता है, जिसमें बेस काफ़ी अच्छी आती है, साउंड भी काफ़ी अच्छी है। वो मैंने आपको सुनाया, अभी मैंने आपको YouTube पे सिर्फ NCS का सॉन्ग ही प्ले करके दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी कोई भी सॉन्ग प्ले करूं, तो उसको यह जो आप Instagram का लिंक देख रहे हैं, यहां पर जाके मेरे को फॉलो कीजिए, वहां पर मैं इसका Instagram पर सॉन्ग का रिव्यू जरूर डालूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं कि इसका ओरिजिनल आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।